आज इंटरनेट को सर्फ करते टाइम एक नया वर्ड मेरे सामने आया, वो था जूस जैकिंग फ्रॉड। अब इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप कहीं पे गए हैं, कैफे में गए हैं, होटल में गए हैं, एयरपोर्ट लाउंज कहीं पे भी गए हैं, और वहाँ पे आपको लगता है कि आपको आपका फ़ोन चार्ज करना चाहिए, और वहाँ पे जो ऑलरेडी अवेलेबल कोई चार्जिंग स्टेशन का पोर्ट आपने अपने मोबाइल में लगा लिया, तो देर इज़ अ चांस कि उसमें मैलवेयर हो और वो आपके फ़ोन का डेटा चुरा ले, और थ्रू एनीथिंग हो सकता है वो मैलवेयर डाल दे आप में, या हो सकता है वो डायरेक्टली कॉपी कर ले। इसके बाद से बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेज, बहुत सारे न्यूज़ वगैरह बता रहे हैं कि फ्रॉड हो सकता है ये और वो एवरीथिंग, क्योंकि RBI ने इस पर एडवाइजरी जारी किया। तो मैंने वो RBI की एडवाइजरी डाउनलोड भी करी, उसमें उन्होंने एक्चुअली बहुत प्रकार के फ्रॉड्स बताए, तो वो पढ़ूंगा मैं। लेकिन विकिपीडिया के अनुसार 2023 तक, अप्रैल 2023 तक एक्चुअली जूस जैकिंग का एक भी मामला सामने दिखा नहीं है, और RBI ने भी ऐसा नहीं बोला है कि जूस जैकिंग हो गई गई। लेकिन हाँ, सिक्योर रहने में कोई बुराई नहीं है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अपना फ़ोन हमेशा चार्ज रखें, अनऑथराइज स्टेशन से आप रिचार्ज ना करें। USB ब्लॉकर्स करके कुछ होता है जो केवल चार्जिंग कराता है, वो आपको डेटा ट्रांसफ़र रोक देता है। अपने पावर बैंक्स रखें, अपना अपडेट रखें सॉफ्टवेयर अपना, आप जो भी एंटीवायरस है उसको अपडेट रखें। तो क्या है, मतलब दुर्घटना से देर भरी सावधानी रखें टाइप वाली बात है। मुझे लगा ये थोड़ा पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ है, लोगों को मालूम होना चाहिए कि जूस जैकिंग होती क्या है।